दोस्तों, केवीएस की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीजीटी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्राइमरी टीचर्स की भी यहां रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। हां जी दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से ही आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आई इस शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पर शिक्षक खेल योग्य नृत्य और शिल्प कला के लिए डिग्री या डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। नर्स के लिए डिप्लोमा नर्सिंग में आपके पास होना चाहिए। काउंसलर के लिए बीएससी साइकोलॉजी में आपने कर रखी हो, उसी के पास साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग आपके पास होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं जेबीटी या समकक्ष एवं सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और बीएड आपने कर रखा हो और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक आपने कर रखी हो, कौन से विषय हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आउट ऑफ दीज फॉर वन मस्ट आइदर बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और उसी के साथ साथ बीएड और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। इसके बाद पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, स्नातकोत्तर कर रखी हो 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है। दोस्तों रिक्रूटमेंट आ रही है केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज की तरफ से प्रथम एवं द्वितीय पाली। ये ऑफिशियल वेबसाइट है न्यू कैंट ald.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाएगा जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज सत्र 2024 के लिए अनुबंध अंशकालीन पूर्णतः अस्थायी आधार पर शिक्षकों का पैनल बनाने हेतु 6 फरवरी 2024 को कंप्यूटर अनुदेशक, स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर पर शिक्षक, खेल योग नृत्य शिल्प कला, काउंसलर, नर्स के साक्षात्कार के साथ प्राथमिक शिक्षक हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन। तो दोस्तों 6 फरवरी 2024 को रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा पीआरटी का, और जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए हैं उन सभी का साक्षात्कार कंडक्ट कराया जाएगा। और दिनांक 7 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा के द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य के साक्षात्कार का आयोजन प्रातः 11 बजे से करेगा। हां जी दोस्तों 7 फरवरी 2024 को पीजीटी टीजीटी और पीआरटी का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले 6 तारीख को कंप्यूटर अनुदेशक, स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर और प्रशिक्षक खेल योग नृत्य शिल्प कला और काउंसलर और नर्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और 6 फरवरी 2024 को पीआरटी का रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। इच्छुक आवेदक दिनांक 25 जनवरी 2024 तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ईमेल, ये ईमेल आईडी पर भेजें। केवल ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। हां जी दोस्तों केवल ईमेल के द्वारा जो आवेदन भेजे गए हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा। 25 जनवरी 2024 के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट newkentald.kvs.ac.in देखें। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म लिंक से किया जाना है। हाँ जी दोस्तों ये गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद वाराणसी रीजन की newkentald.kvs.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जरा सा नीचे आएंगे अनाउंसमेंट दिखाई देगा, व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्टल पोस्ट 2024-25 आप यहां क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू और रिटन एग्जाम का शेड्यूल आपको यहां इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।